हेलो फ्रेंड, आई एम SC90 और मैं एक आर्ट टीचर हूँ जो वाराणसी में पढ़ाता हूँ, बालिका इंटर कॉलेज में, और साथ साथ जो है बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। यदि आपको भी लगता है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये आर्ट वर्क है जो 3-4 साल पहले का जो है, एक टीचर ने, हमारे जो है साइकोलॉजी के अध्यापक थे, जिन्होंने बीच में हमसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि आप गौतम बुद्ध के जो 5 शिष्यों को जो उपदेश देते हुए जो है आप चित्र बनाकर हमें दीजिए। इनफैक्ट मैंने उसी समय जिस दिन बोला था उन्होंने, एक आध दो दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्टार्ट करने के बाद बीच में जो है मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसको कर सकूँ, और वो पड़ा का पड़ा रह गया जो है, और देख रहे हैं कि ये सारा जो है इधर डस्ट पड़ा हुआ है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं जो है ब्लैक पेज से जो है, अर्थात ब्लैक जो है मेरे मार्कर है, इसी से ही मैं जो है इसकी आउटलाइन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है, इसका कैसा प्रभाव है। और ये तो बड़ा हल्का चल रहा है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बड़े फिगर बनाना चाहते हैं लेकिन बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो हूबहू नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको फिगर बनाना तो क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जिस फिगर को बनाना चाहते हैं उसमें आप ग्राफ बना लीजिए, और जिस पे बनाने वाले हैं, जिस ड्राइंग पर, उस पे भी ग्राफ बना लीजिए, पेंसिल से खींच सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आपका जो साइज होना चाहिए दोनों में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको उस खाने में उस को देख कर उस खाने में ड्रॉ करने हैं। जब अच्छे से आप ड्रॉ कर लेंगे तब उस लाइन को, आपने जो ग्राफ वाली लाइन खींचा है, आप उसको इरेज कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी दीवारें होती हैं, यदि आप आउटडोर में दीवारों पर आप ड्राइंग बनाते हैं तो इसी चीज़ की सहायता ली जाती है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और कई स्टूडेंट मैंने देखा है कि मोस्टली जो है वो यूं ही जो है ऐसे बनाने हूबहू बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बना पाते। कारण क्या होता है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और कोई बड़ी फिगर को हम नज़दीक से बनाते हैं तो वो ध्यान से ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आपको पोर्ट्रेट बनाना हो तो आप पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही कीजिए, यदि आपको बिगिनर हैं, फिर धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, आप अच्छे से या किसी चीज़ को आप बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ से ही जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी चित्रकार हैं, बड़े बड़े चित्रकार करते हैं, लोग ग्राफ से ही करते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि वो बिना ग्राफ की सहायता से बनाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग बड़े बड़े जो चित्रकार हैं, मोस्टली जो मॉडर्न आर्टिस्ट होते हैं तो वो तो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन जब बड़ी फिगर को ऑब्जर्व करके बनाना होता है तो वो ग्राफ बनाकर ही अच्छे से सटीक बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट बड़े फिगर बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।